अभी अभी बड़ी खबर आई है, मोदी सरकार ने फैसला किया है कि नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न दिया जाएगा। ये वो प्रधानमंत्री हैं जिनको हम एलपीजी रिफॉर्म्स के कारण याद करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उनके जीवन पर, उनके किस्से पर हमने पॉलिटिकल किस्से में विस्तार से बात की थी, उनके पूरे जीवन के बारे में बताया था, आप वो किस्सा सुनिए। कभी यूं भी तो हो कि इस देश की तारीख तारीखों के मुताबिक लिखी जाए। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। एक और अहम तारीख है 24 जुलाई 1991 देश लाइसेंस परमिट राज से आजाद हुआ। 24 जुलाई का जिक्र खूब आता है, खूब बताया जाता है कि देश में आर्थिक उदारीकरण लाने वाला ऐतिहासिक बजट उस वक्त के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने पेश किया था। एक बात नहीं बताई जाती, जिस शाम मनमोहन ने वो ऐतिहासिक बजट पेश किया उसी सुबह संसद के पटल पर नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के डॉक्यूमेंट भी पेश किए गए थे, जिसके बाद ये तय हो गया था कि अब भारत एक बाजार होगा जहां पर बिना किसी कठोर सरकारी नियंत्रण के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी, लाइसेंस परमिट का राज नहीं होगा और निजी क्षेत्र फलेगा फूलेगा। ये मुमकिन हुआ नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के चलते, जिसे पेश किया गया उस वक्त के राज्य मंत्री इंडस्ट्री प्रभार के पीजे कुरियन के द्वारा। सवाल ये उठता है कि एक राज्य मंत्री ने इतनी महत्वपूर्ण घोषणा क्यों की, ये मंत्रालय था किसके पास? ये मंत्रालय जिस शख्स के पास था, उस शख्स की मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसको नेपथ्य का नरेश कहता हूँ। राग शिवरंजनी सुनने वाला वो नेता जो रिटायरमेंट की तैयारियां कर रहा था और इसलिए उसने 1991 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था, लेकिन एक तारीख फिर आई 21 मई 1991 और तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में देश के पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव गांधी की लिट्टे के आत्मघाती दस्ते ने हत्या कर दी। और उसके बाद पहले तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और फिर इसके संसदीय दल के नेता का ताज सजा पीवी नरसिम्हा राव के सर पर। नेपथ्य नरेश पीवी नरसिम्हा राव 24 जुलाई 1991 को देश के इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, लेकिन उन्होंने ये ऐतिहासिक मौका अपने जूनियर मंत्री को दिया। पीजे कुरियन को आप अक्सर राज्यसभा टीवी पर देखते होंगे, वो राज्यसभा के उपसभापति हैं, राज्यसभा की कार्यवाही संभालते हुए। और पीवी नरसिम्हा राव देश को आर्थिक उदारीकरण के रास्ते पर ले जाने वाले एक ब्यूरोक्रेट मनमोहन सिंह को सारी राजनीतिक पूंजी, ताकत और बैकिंग मुहैया कराने वाले पीवी नरसिम्हा राव पहले ऐसे गैर गांधी नेता जिन्होंने बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा किया, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो ना तो लोकसभा के सदस्य थे और ना ही राज्यसभा के। और आखिर में क्या हुआ? आखिर में ये हुआ कि जब 23 दिसंबर 2004 को हार्ट अटैक के चलते, जो कि 14 दिन पहले उन्हें पड़ा था, दिल्ली के एम्स अस्पताल में पीवी नरसिम्हा राव का निधन हुआ, तो कांग्रेस ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यह सुनिश्चित किया कि नरसिम्हा राव के शव को पार्टी मुख्यालय न लाया जाए, जबकि उनके बेटे प्रभाकर राव बार बार मीडिया के सामने कहते रहे कि दिल्ली ही मेरे पिता की कर्मभूमि रही है। 70 के दशक की शुरुआत में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद इसी दिल्ली में तो नरसिम्हा राव अपना रणनीतिक कौशल दिखाते रहे, पहले इंदिरा गांधी के लिए, फिर राजीव गांधी के लिए और फिर खुद ही केंद्र में रहे। लेकिन सीताराम केसरी के दाव के बाद वो नेपथ्य में चले गए और नेपथ्य से ही गुजर गए। उनके नाम को लेकर, उनके काम को लेकर ये देश कब बात करेगा? कब तक हम कांग्रेस की शक्ल देखते रहेंगे नरसिम्हा राव के योगदान को याद करने के लिए? क्या हम भी मनमोहन सिंह की तरह बेबस हैं जो 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहने के बावजूद अपने राजनीतिक गुरु को भारत रत्न नहीं दिला पाए? हमें और आपको तय करना है। इतिहास समुच्चय का नाम है, कुल जमा गलतियों और उपलब्धियों का। और मुझे अपनी सीमित राजनीतिक समझ के साथ यकीनी तौर पर यह लगता है कि पीवी नरसिम्हा राव
इस देश के रत्न हैं और उनको मरणोपरांत ही सही ये हक मिलना चाहिए। dlallantop.com पर मैं सौरभ द्विवेदी ऐसे ही और पॉलिटिकल किस्सों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होऊंगा। और हमारे YouTube चैनल को, हमारे Facebook पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।